पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल सेक्युलर के संरक्षक एचडी देवेगौड़ा ने आज गुरुवार 19 अक्टूबर को पार्टी की कर्नाटका इकाई के अध्यक्ष सीएम इब्राहिम को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया, जिन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन बनाने के खिलाफ विद्रोह का झंडा उठाया था। एचडी देवेगौड़ा ने अपने बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी को पार्टी की राज्य इकाई का कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। गौड़ा का यह आदेश इब्राहिम द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के साथ गठबंधन करने के पार्टी के फैसले के खिलाफ विद्रोह करने के बाद आया है। इस संबंध में इब्राहिम ने 16 अक्टूबर को जेडीएस में समान विचारधारा वाले लोगों के साथ एक बैठक की थी और घोषणा की थी कि उनके नेतृत्व वाली पार्टी ही असली पार्टी है। उन्होंने एक कोर कमेटी के गठन की भी घोषणा की थी।